बाद जो कुछ भी हुआ वैसा बवाल पहले कभी नहीं देखा गया। पंजाब से चले किसान इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं दिख रहे। यह आंदोलन पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। आंसू गैस के गोले छोड़ गए, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, मिट्टी से भरे ट्रक रास्ते में खड़े कर रास्ता रोकने की कोशिश भी की गई, लेकिन किसानों की रफ्तार थमी नहीं। हर बाधा को पार करते हुए किसान आगे बढ़ रहे हैं। माइक से लगातार पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट की जा रही है। किसानों को आगे बढ़ने से पुलिस लगातार रोक रही है, लेकिन किसान इस बार आर या पार के मूड में है। कोरोना में इतनी भीड़ के सवाल पर किसानों ने कहा कि जब मोदी रैली करते हैं तब कोरोना का डर नहीं है, तो फिर हमारे आंदोलन से क्यों कोरोना का डर है। मोदी जी बिहार में अभी 10 दिन पहले इतनी रैलियां करके, वहाँ कोविड नहीं था, अब किसानों के लिए कोविड हो गया, तो बिहार में कोविड नहीं मोदी के लिए, हमारे लिए ही कोविड है। अगर कोविड में हम मरेंगे ना, हम तो 6 महीने तक जब अडानी बनी आगे फिर भी मरना है, तो अब मर जाएंगे, फिर क्या होगा? 6 महीने पहले मरने चाहिए, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हम नहीं, हम ये लड़ाई आपके लिए, उद्योगपतियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए और छोटे दुकानदारों के लिए, किसानों के लिए, ये मजदूरों के लिए हमारी साझी लड़ाई है। प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जाएगा, और जो पहले अंग्रेज करते थे वही आज कर रहे हैं ये मोदी अडानी और अंबानी की सरकार, तो हम क्या करें? अगर राष्ट्रपति सुबह चाय पीता है वो भी किसान के पैदा किए दूध से पीता है, अगर वो रोटी खाता है वो भी किसान के खाता है, तो मुझे ये बताओ ये कौन सा कानून है कि किस कानून के जरिए ये लोग हमें हमारी राजधानी में प्रोटेस्ट भी करने की इजाजत नहीं दे रहे। पुलिस का कहना है कि हमने कोशिश की, लेकिन किसान पूरे इंतजाम से आए हैं, लेकिन अभी भी पुलिस की कोशिश है कि इन्हें आगे बढ़ने से रोक पाए। हमने काफी इनको डिटेन किया है, समझाया भी है, लेकिन ये काफ़ी एग्रेसिव तरीके से आ रहे हैं। इन्होंने बैरिकेड्स को चेन से और अपनी ये क्रेन्स लेके आए हैं, उनसे बैरिकेड्स को इन्होंने ब्रीच कर दिया है, लेकिन अभी हमारी सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर अभी कई जगह पे है, और हमारी कोशिश ये है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम इनको यहाँ रखने में कामयाब हों। हमारी फोर्स ने पूरा रेस्ट्रेंट बरता हुआ है, और कोशिश यही है कि हम कोई भी यहाँ वायलेंस भी नहीं होने दें और शांतिपूर्वक इनको हम रोक पाएँ। जिन लोगों ने वहाँ फोर्स खड़ी थी और फोर्स को रोकने का प्रयास किया है, उनकी ड्यूटी में भी उन्होंने बाधा डाली है, और उनके उस चेयरमैन जो किसान यूनियन के प्रधान हैं उनके खिलाफ और काफ़ी लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया है। इसके अलावा हमें अब भी सचेत कर रहे हैं, अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ भी आगे भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर राजनीति भी जमकर हो रही है। सड़कों के अलावा ट्विटर पर भी युद्ध छिड़ा हुआ है। अमरिंदर सिंह और खट्टर एक दूसरे को किसानों का दुश्मन बता रहे हैं। इस प्रदर्शन का कितना फायदा किसानों को होगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली कूच कर रहे किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। हरियाणा पुलिस ने पूरी कोशिश की हरियाणा में किसान दाखिल न हो सके, लेकिन यहां किसानों और पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया है। किसान पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं और बैरिकेड्स तोड़कर हरियाणा में दाखिल हो चुके हैं। अम्बाला में पूरी कोशिश की जा रही है कि किसानों को रोक दिया जाए। सोनीपत जिले में धारा 144 लगा दी गई है और पुलिस की पूरी कोशिश है कि स्थिति को सामान्य रखा जाए, और सिंघू बॉर्डर पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। देखिए, हमारे यहाँ पे जिले में, सोनीपत जिले में धारा 144 लगाई गई है, उसकी हम पालना करवाने के लिए हमने यहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, ताकि उसकी अवहेलना ना हो। हमारा प्रयास रहेगा और सब लोगों के कोऑपरेशन से, ताकि हम 144 के जो धारा का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसको हम इन्फोर्स करें। देखिए, जो सिचुएशंस होती है डायनामिक होती हैं, परंतु हम सक्षम हैं, ये हमारी प्रोफेशनल कैपेसिटीज़ हैं कि हम स्थिति को जज करें, स्थिति के हिसाब से उसको हैंडल करें, एंड सो दैट वी कीप द सिचुएशन अंडर कंट्रोल। दिल्ली बॉर्डर पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने लोहे के कटीले तार लगाकर ऐसा इंतजाम किया है कि किसान दिल्ली की सीमा में दाखिल न हो सके। पंजाब से चले किसान दिल्ली भले ही ना पहुंचे हो, लेकिन किसानों को सपोर्ट करने के लिए दिल्ली में भी बराबर आवाज बुलंद हो रही है। काले कानून वापस लो, केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारों के साथ जंतर मंतर पर दिल्ली के किसान काफी संख्या में पहुंचे, जिन्हें हिरासत में लेकर बसों में भरकर वहां से ले जाया गया। तो वहीं डासना बॉर्डर पर भी किसान काफी संख्या में इकट्ठा होकर किसान विरोधी बिलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हुए नजर आए और पंजाब के किसानों को सपोर्ट किया।